आज के इस वीडियो में हम कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला के रिलेटेड तीन इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है गॉडजिला मेका गॉडजिला को क्यों नहीं हरा पाया, दूसरा सवाल है कि कॉन्ग ने गॉडजिला को क्यों बचाया, और तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि गॉडजिला ने कॉन्ग को क्यों नहीं मारा। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए शुरू करते हैं। अब इस सवाल का सबसे ऑब्वियस और पॉसिबल आंसर ये है कि मेका गॉडजिला के साथ लड़ने से पहले गॉडजिला की लड़ाई कॉन्ग के साथ हुई थी, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गया था। अब कॉन्ग भी गॉडजिला की तरह एक अल्फा लेवल का टाइटन होता है, तो उसके साथ के लड़ाई में गॉडजिला की मोस्ट ऑफ दी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। प्लस क्रल क्रॉलर के साथ टेस्टिंग में जब मेका गॉडजिला को जगाया जाता है, तब उसके एक्टिवेशन की वजह से गॉडजिला बहुत ही तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ता है, और जब वो सिटी पहुंच जाता है तब वहां उसका सामना कॉन्ग से होता है। कॉन्ग के साथ उसकी यहां दो बार लड़ाई होती है, जिसमें पहली बार कॉन्ग उसे मारता है और दूसरी बार गॉडजिला कॉन्ग को। लेकिन यहां ये दोनों ही बैटल्स बहुत ही पावर पैक्ड होने की वजह से दोनों ही अल्फा टाइटंस कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बाद तुरंत ही वहां गॉडजिला के साथ लड़ने मेका गॉडजिला पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसे रेस्ट करने का कोई भी टाइम नहीं मिल पाता। अब इस सवाल का सेकंड पॉसिबल आंसर ये है कि गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ कुछ ज्यादा ही यूज करी थी। मूवी में जब गॉडजिला हमें पहली बार दिखाया जाता है, तब से ही गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ को यूज करता है। लेकिन कॉन्ग के साथ बैटल से पहले वो कॉन्ग को हॉलो अर्थ से बाहर निकालने के लिए एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है। अब यहाँ उसे पता नहीं होता कि नीचे हॉलो अर्थ में कॉन्ग है करके, वो बस रैंडमली यूज करता है। अब जब गॉडजिला कॉन्ग को बाहर निकालने के लिए एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है, तो वो बहुत ही इंटेंस लेवल पर होती है, जिसकी वजह से वो बैटल के दौरान एग्जॉस्टेड हो जाता है। प्लस कॉन्ग के साथ बैटल में भी वो एटॉमिक ब्रेथ को भी कई बार यूज करता है, और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से जब मेका गॉडजिला और गॉडजिला एक दूसरे पे एटॉमिक ब्रेथ फायर करते हैं, तो मेका गॉडजिला की बीम ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है और गॉडजिला को हिट करती है। अब इस सवाल का आखिरी जवाब ये है कि मेका गॉडजिला बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड था, प्लस उसे स्पेशली गॉडजिला के साथ लड़ने के लिए बनाया गया होता है। मतलब कि उसे ऐसा प्रोग्राम किया होता है कि वो गॉडजिला के मूव्स को एनालाइज करके उसे काउंटर कर सके। एज वो मशीन होता है तो वो ऐसा कर सकता है, जिसकी वजह से जब उसे हॉलोर्ड से इन्फिनिट पावर सोर्स मिलता है, तब वो ओवरलोड हो जाता है, और ओवरलोड होने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। अब इस वाले मेका गॉडजिला के पास कोई भी वीकनेस नहीं होती, ऐसे वो गॉडजिला को मारने के लिए बनाया गया होता है, और वो एक मशीन भी होता है, जिसकी वजह से वो बिना रेस्ट किए अपनी इन्फिनिट पावर के साथ लड़ सकता है, और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से मेका गॉडजिला गॉडजिला पे भारी पड़ता है। अब हम सब जानते हैं कि मूवी में कॉन्ग किसी न किसी पॉइंट पर आकर गॉडजिला को मेका गॉडजिला के खिलाफ लड़ने में मदद करता, लेकिन कॉन्ग उसकी मदद आखिर करता क्यों है? इसके बावजूद कि गॉडजिला ने हॉलो अर्थ में छेद करके उसके न्यूली डिस्कवर्ड पूर्वजों के घर को बर्बाद कर दिया, और एज वो दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी होते हैं। अब इसका आंसर ये है कि कॉन्ग को ये रियलाइज हो गया था कि गॉडजिला ऑल्दो उसका राइवल है, लेकिन वो विलन और माइंडलेस क्रिएचर नहीं है जो स्क्रल क्रॉलर्स की तरह किसी पर भी अटैक कर देता है। प्लस उसने यहाँ अपने इंस्टिंक्ट की मदद ली, और उसका हार्ट रिस्टार्ट करने के बाद जिया, जो कि पूरी दुनिया में एकलौती होती है जिसपे कॉन्ग ट्रस्ट भी करता है और जिसकी लैंग्वेज कॉन्ग समझता भी है, वो जब कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला बुरा नहीं है और उसकी मदद करनी चाहिए, तो कॉन्ग श्योर हो जाता है कि हाँ भाई मदद करनी चाहिए। अब यहाँ हो सकता है कि कॉन्ग को जिया का दुख देखा न गया हो और उसने गॉडजिला की मदद की, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि अब ह्यूमंस ने कॉन्ग को जिंदा किया था और वो अपनी लाइफ अब ह्यूमंस को ओव करता है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि मेका गॉडजिला सिटी में बवाल मचाकर अनजाने में ह्यूमंस को भी मार रहा था। अब इसका सेकंड पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि कॉन्ग जब रिवाइव होता है, तब उसने मेका गॉडजिला में एक दूसरे टाइटन के बायोसिग्नल को सेंस कर दिया हो, जिसे उसने पहले ही गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में किया था, जब गिडोरा सभी को बुलाता है तभी। अब ये मॉन्स्टरवर्स के कॉमिक में था कि जब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गिडोरा सबको आवाज देता है, तब उसके इसी कॉल को कॉन्ग भी सुनता है, लेकिन वो उसे ज्वाइन करने से मना करता है। प्लस जब स्कर्ल क्रॉलर्स उसे ज्वाइन करने जाते हैं, तब कॉन्ग उन्हें भी नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से उसे लगता है कि फिलहाल के लिए गिडोरा या कहो मेका गॉडजिला एक बिगर थ्रेट है और उसे एलिमिनेट करना ज्यादा जरूरी है। अब एक बार एक बच्चा सब्सक्राइब करना भूल गया था और अगले दिन से ही वो बच्चा नहीं मिला, तो याद से सब्सक्राइब कर देना। अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि गॉडजिला ने कॉन्ग को क्यों नहीं मारा, वो भी एक बार नहीं दो दो बार गॉडजिला कॉन्ग को जाने देता है। पहले जब उनकी फाइट बीच समंदर में होती है, तब कि भाई समंदर वाली फाइट में उन्होंने सारे मैकेनिज्म बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से गॉडजिला को ऐसा लगा कि कॉन्ग वहां मर गया,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉडजिला उसे जानबूझकर जाने देता है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि जिस गॉडजिला को दूसरे किसी टाइटन की प्रेजेंस मीलों दूर से सेंस होती है, उसे कॉन्ग के मरने और बचने में कोई डिफरेंस समझ नहीं आया होगा। बस सोच के देखो। अब इसका रीजन ये है कि गॉडजिला तभी मारामारी करता है जब उसे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे टाइटन की वजह से इस दुनिया का नेचुरल ऑर्डर बिगड़ रहा है। और जब पहली बार समंदर में कॉन्ग से उसकी लड़ाई होती है तब वो हांगकांग जा रहा होता है, लेकिन कॉन्ग की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उससे जा भिड़ता है। और वो कॉन्ग को इसलिए जाने देता है क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के राइवल्स होते हैं, और अगर आपका राइवल उतना स्ट्रांग ना हो तो आपको लड़ने में मजा नहीं आता, जिसकी वजह से गॉडजिला उसे जाने देता है और उसे अपना वर्दी अपोनेंट नहीं समझता। प्लस उसे ये दिखाना चाहता था कि वो अभी भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। अब दूसरी बार गॉडजिला कॉन्ग को इसलिए नहीं मारता क्योंकि गॉडजिला हांगकांग में मेको गॉडजिला की वजह से आया होता है, और जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में एक्स उठाता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो मेको गॉडजिला है और वो हॉलो अर्थ में फायर करता है, लेकिन हॉलो अर्थ से मेको गॉडजिला के बदले कॉन्ग निकलता है और कॉन्ग अपने एंगर की वजह से गॉडजिला से लड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ गॉडजिला उसे लड़ना नहीं चाहता था, फिर भी वो उससे लड़ता है, और उसे हराने के बाद वो इसलिए जाने देता है क्योंकि उसका कॉन्ग से फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं होता, उसे बस मेका गॉडजिला को हराना होता है, इसलिए वो कॉन्ग को मारने के बाद जाने देता है और उसे ये कहता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना।